Good morning, children. How are you all? Good and fine. So, today we will do a poem in your reader book. The name of the poem is Day by Day. About paper boats. Day by Day is a beautiful poem which show the imaginary world of a child. And the poem is written by Ravindar Nath. Tagore. Before starting the poem, let's know about Rabindranath Tagore. He was born in 1861 and died in 1941. He was a Bengali poet who was known as Gurudev. He won the Nobel Prize in Literature in the year 1913 for Gitanjali, a collection of poems he also wrote the national anthem of india and bangladesh now in this picture you see that there is a boy who float his bo his boats into the stream and he enjoy with his boats now from this lesson there are some hard words Float. What is the meaning for the word float? Put the surface of water. Stream. Running water. Surely. It is a kind of flower. Stranger. Unknown person. Load. To fill. Launch. Move the boats onto the water. Dawn, early morning, bulging, swollen, यानी फूला हुआ playmate, friend, bury, to hide, लेडिंग कार्गो ऑफ द बोट यानी सामान रखने वाली बोट नाउ let's स्टार्ट द poem. डे by डे I float my paper boats one by one down the running stream in big black letters I write my name on them and the name of the village where I live I hope that someone in some strange land will find them and know who I am I load my little boats with surely flowers from our garden and hope that these plumes of the dawn will be carried safely to land in the night okay ab main aapko isko hindi mein explain karta hu day by day i float my paper boats one by one down the running stream इस पोएम में जो इसके जो कवि हैं वो एक बच्चे की भावनाओं को दिखाते हैं कि जब रेनिंग सीजन में बच्चे क्या करते हैं वो पेपर की बोर्ड्स बना लेते हैं और उसका वो बड़ा आनंद उठाते हैं सो डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है एक बच्चे की भावनाओं को वो यहाँ पर डिस्क्राइब करता है कि दिन प्रतिदिन मैं क्या करता हूँ मैं अपनी बोट्स को फ्लोट यानी तैराना तैराता हूँ एक एक करके कहाँ पर रनिंग स्ट्रीम यानी जो बहता हुआ पानी है बहता हुआ झरना है उसके ऊपर इन बिग ब्लैक लेटर्स काले बड़े अक्षरों में आई राइट माई नेम ऑन देम मैं अपना नाम लिखता हूँ एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव और मैं अपने गाँव का भी नाम उस बोर्ड पर लिखता हूँ जो कागज़ की बनाई गई है वेयर आई लिव जहाँ पर मैं रहता हूँ मैं अपना नाम और अपने विलेज का नाम उस पर राइट कर देता हूँ आई होप मुझे आशा है दैट कि समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम और मुझे आशा है कि कि ये जो कर्ष, जो कश्तियाँ हैं मेरी ये किसी अजनबी लैंड पर जाएंगी और वहाँ पर इसको कोई पा लेगा और उसको पता चल जाएगा जैसे ही वो इसके ऊपर मेरे नाम को मेरे विलेज के नाम को इसके ऊपर रीड करेगा तो वो जान लेगा कि मैं कौन हूँ आई लोड माई लिटल बोट्स विद शुली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन और वो क्या कहता है कहता है कि मैं इस बोट के अंदर क्या लोड कर दूंगा क्या भर दूंगा शुली के फ्लावर्स ओके okay? और मैं अपने गार्डन में से शुली के फ्लावर्स इस बोट में भर दूंगा एंड होप और वह आशा रखता है दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट और ये जो फ्लावर्स होते हैं शीली फ्लावर्स ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही खिलते हैं और वो क्या कहता है कि जो मैंने इसमें फ्लावर्स भरे हैं इन द मॉर्निंग वो रात तक जो स्ट्रेंज लैंड है वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगी यानी जिस भी जो भी इसको बोट को वो ढूंढेगा या फाइंड करेगा वो उसको बिल्कुल फ्लावर्स भी इसमें सुरक्षित होंगे और ये जो फ्लावर्स होंगे उसके लिए गिफ्ट होंगे ओके नेक्स्ट आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इन टू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स आई नो नोट वट प्लेमेट ऑफ माइंड इन द स्काई सेंड्स स्म

आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इंटू द स्काई कि मैं अपनी पेपर बोट को क्या कर देता हूँ पानी के ऊपर लॉन्च यानी मूव कर देता हूँ बहा देता हूँ एंड लुक अप इंटू द स्काई और आसमान में ऊपर देखता हूँ एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स और मैं आसमान में जो लिटिल लिटिल यानी छोटे छोटे बादल होते हैं उनके उभरे हुए पार्ट्स को मैं देखता हूँ कि वो फूले हुए हैं बल्जिंग मीन्स swollen, ओके okay? जैसे कि उनमें कुछ भरा हुआ है यानी जो है उनके अंदर पानी भरा हुआ है और वो बरसने वाले हैं वो ऐसा महसूस कर रहा है आई नो नोट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स स्टैम डाउन द एयर टू डेस्ट विद माई बोट्स और वो क्या कहता है उसे लगता है कि, कि मेरे किसी प्लेमेट यानी दोस्त ने आसमान से इन बादलों को और हवा को जो है मेरी बोट्स के साथ रेस लगाने के लिए नीचे भेज दिया गया है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरा प्लेमेट कौन है वन नाइट कम्स जब रात आती है आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स ओके बरी का मीनिंग क्या होता है टू हाइड जैसे ही रात आती है तो मैं अपने फेस को अपने चेहरे को क्या कर लेता हूँ हाइड कर लेता हूँ बरी कर लेता हूँ कहाँ पर अपनी आर्म्स में अपनी बाजुओं में एंड ड्रीम और सपना देखता हूँ दैट माई पेपर बोर्ड्स की जो मेरी जो कागज़ की जो पेपर की जो बोर्ड्स हैं फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिड नाइट स्टार्स यानी जो मध्य रात्रि के यानी जो मध्य रात्रि जो होती है बिल्कुल आधी रात हो जाती है उसमें जो स्टार्स निकले होते हैं वो क्या इमेजिन करता है कि उसकी जो बोर्ड्स हैं वो स्टार्स के नीचे भी तैर रही हैं और उनके ऊपर भी तैर रही हैं फेरीज ऑफ स्लीप और जो नींद वाली जो परियाँ होती हैं आर सेलिंग इन दैन वो भी इनके ऊपर तैर रही हैं एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स और उनकी जो कश्तियाँ हैं वो किसके सामान से भरी हुई वो उसके सपनों के सामान से भरे हुए टोकरियाँ उनके कश्तियों में हैं